ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2024 के अंदर 1 मई को बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है। ये वास्तविक तौर पर अद्भुत है आपके लिए। ये बड़ी बड़ी समस्याओं को निदान करने वाला है जो आपके जीवन में चल रही थी। जब आपकी पिछली बार परिवर्तन हुआ था बृहस्पति का मेष राशि में, बड़ी उम्मीद से बृहस्पति के परिवर्तन के योग बने थे, लेकिन हमने उस वक्त भी आपको समझाया था कि शनि महाराज की दृष्टि है, तो इसलिए बृहस्पति आपके परेशानियों को सॉल्व नहीं करेंगे और ये अपने शुभ प्रभाव को दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन अब समझ लीजिए, ये बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए वारे न्यारे कराने वाला है, भाग्य जगाने वाला है। और वास्तविक तौर पर ये 12 साल बाद जो ये परिवर्तन होकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं बृहस्पति महाराज, ये अद्भुत होने वाला है। बड़ी से बड़ी समस्याओं को, उलझनों को जो जीवन में चल रही थी, उनके निदान का रास्ता आपकी राशि के अनुसार से प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो मेष राशि वालों, ये धन भाव में जा रहे बृहस्पति अद्भुत हैं। जैसा हमने कहा ना कि 12 साल बाद किस्मत जाग जाती है। एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। ये कहावत कहाँ से शुरू हुई? गुरु गोरखनाथ जी से ये कहावत शुरू होती है और वो वास्तविक तौर पे वैज्ञानिक है कि 12 साल बाद जब बृहस्पति का चक्र, बृहस्पति का एक राशि पे करीब करीब 1 साल तक रुकना होता है और इसी प्रकार से पूरा चक्र 12 राशियों का 12 साल बाद पूरा होता है और ये बृहस्पति का ही प्रभाव है कि गुरु गोरखनाथ जी के जीवन में अद्भुत योग बना। कहा जाता है गुरु मत्स्येन्द्रनाथ एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे और भ्रमण करते हुए रास्ते में उनको एक परिवार दिखा कि जहाँ वो स्त्री बहुत परेशान थी, बच्चों को खेलते हुए देखती थी, तो उसके जीवन में लगता था कि मेरे भाग्य में क्या बच्चे का संतान का सुख नहीं है। तो मत्स्येन्द्रनाथ जी जा रहे थे और उनके समक्ष ये बात उनके कान में पड़ी तो उस औरत ने भी आके उनके सामने अपनी बात रखी, उनको दया आई, उन्होंने कुछ अपनी झोली से निकाला और एक दिव्य औषधि उसको दे दी कि ये भस्म ले धारण कर लेना, इसको खा लेना, सुबह प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत देखना तुम्हारे जीवन में सुख का उदय होगा, जो संतान की इच्छा आपकी उदय होगी। सुबह सुबह वो परमात्मा का ध्यान करके जैसे ही भक्षण करने का प्रयास करती है, उनके पति आ जाते हैं, कहते हैं क्या खा रही है? अरे किस ऐसे चलते फिरते बहुत सारे जोगी आते हैं और कुछ पता नहीं क्या दे जाते हैं, वशीभूत कर लेते हैं। उसने हाथ से उठाकर बाहर खिड़की के बाहर उस औषधि को, दिव्य अमृत को बाहर फेंक दिया। बाहर कूड़ा पड़ा था, जो गोबर पड़ा था गाय का, उसके अंदर वो औषधि पड़ गई और उसके ऊपर से गोबर पड़ गया उसके ऊपर। अब वो औरत भी भूल गई, जीवन कालंदर चलता रहा। 12 वर्ष बाद कहा जाता है मत्स्येन्द्रनाथ जी फिर घूम के आए और जैसे ही उस औरत को देखा और वहाँ कहा कि वो जब वो औरत वही फिर रुदन करने वाली, बोले तेरे को तो 12 साल पहले मैंने आशीर्वाद दिया था, मैं तो आज वो बच्चे को लेने आया था। उन्होंने कहा कि वो तो ऐसा घटना घट गई, वो तो मैं ले ही नहीं पाई औषधि, तो कहाँ फेंकी थी? वो सामने कूड़ी का भाग पड़ा था, गोबर का ढेर पड़ा था, कूड़ा था वहाँ पर, उसके ऊपर वहाँ मत्स्येन्द्रनाथ जी ने अलख लगाई, अलख निरंजन। तो वहाँ उस कूड़ी के अंदर से वो गोरखनाथ जी वहाँ विराजमान थे उस औषधि, दिव्य औषधि के प्रताप से। तो 12 वर्ष बाद भाग जाग जाते हैं। तो ये 12 वर्ष का जो चक्र है ना, वास्तविक तौर पर आप समझ लीजिए ये वही चक्र है जो बृहस्पति परिवर्तित होकर आपकी राशि में द्वितीय भाव में, धन भाव में आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से आए। तो ये समझ लीजिए द्वितीय भाव धन का होता है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि में जो प्रवेश करने जा रहे हैं 1 मई को दोपहर को 12:55 पर आपके लिए भाग्य के अनुसार से वारे न्यारे कराने वाले योग बनने वाले हैं, आपको पद देने के योग बनाने वाले हैं, सम्मान देने के योग बनाने वाले हैं। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहां बैठे हुए हैं एकादश भाव में, वो भी अपना पूर्ण फल देने वाले हैं, वो भी अपने पूर्ण फल पर है। और बृहस्पति महाराज भी द्वितीय भाव में विराजमान होकर धन भाव पर पूरी तरह से कृपा करने के योग बना रहे हैं, कुटुंब में पूरा योग देने वाले हैं। और ये वर्ष आपको जागते हुए रहना है, आपको अपना पूर्ण लाभ लेने के सुंदर प्रयास करने चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी देखिए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहाँ से अपने जहाँ बैठकर आपके 6ठे भाव पर भी, तो थोड़ा रोग का ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जब क्या होता है कि जब
जीवन में थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखो, शत्रु पक्ष भी थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा, आपके प्रति ईर्ष्या रखने वाले लोग भी थोड़े बढ़ते दिखाई देंगे, और ऐसे में किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज़ों में फंसने से पहले ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए धन लाभ तो होने के डेफिनेटली योग दिखाई देते हैं, समस्याओं का निदान होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ कष्ट भी दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ शहद होता है मीठा होता है, मक्खियाँ भी भिनभिनाकर कष्ट देने के लिए पहुँच जाती हैं, तो आपको उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए साथ साथ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सफलता दिखाई देती है पूरी तरह से, साथ साथ सम्मान दिखाई देता है, इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है आपके यश में, और साथ साथ कोई प्रमोशन इत्यादि भी मिलने के, सफल प्राप्त होने के अच्छे खासे योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रभाव अद्भुत रहने वाला है, एक वर्ष तक ये बृहस्पति यहाँ पर पूरी तरह से आपकी राशि के अनुसार से लाभ देने के योग बनाने वाले हैं। लेकिन एक थोड़ी सी विडंबना शुरू में दिखाई देती कि 5-6 दिन बाद ही ये बृहस्पति 7 मई को अस्त भी हो जाएंगे, और फिर 2 जून को जाकर उदय होंगे, और फिर पूरी तरह से फल दिखाने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन इस दौरान ये 7 जो शुरू के 7 दिन है, 7 दिन उदय होंगे, नई उम्मीद जगाएंगे, ईश्वर जगाएंगे, और फिर आपको एक बार लगेगा कि बृहस्पति जो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से, सूर्य अपनी गति से आगे भागते चले आ रहे हैं, और बृहस्पति के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से उनको अस्त जो कर रहे हैं, उसकी वजह से बृहस्पति की शक्ति उन दिनों क्षीण हो जाएगी, तब आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में एक काम आपको हम बता देते हैं, कुछ खास उपाय जब बृहस्पति को और शक्ति देने के लिए, जब बृहस्पति अस्त हो जाए तब उनको ध्यान रखते हुए कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। एक तो चने की दाल का दान, चने की दाल, पीली चने की दाल होती है, वो विशेष तौर पर भिगो लें और गौशाला में अपने हाथ से जाके खिला दें गाय को नित्य प्रति जब बृहस्पति अस्त हो। वैसे बृहस्पतिवार के दिन कम से कम पूरे वर्ष ये उपाय करते रहें, ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप यथाउचित भाव से करने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको हर पहलू में दिखाने का प्रयास किया है कि कहाँ कहाँ बृहस्पति, और ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए यदि बात करें तो शनि भी अब पूर्ण लाभ देने के योग हैं, और एक वर्ष तक शनि भी यहाँ पे अभी बचे हुए हैं पूरा काल करने के लिए, तो सुंदर तरीके से ये आपके किस्मत को जगाने वाला समय रहेगा। मैं कहूँगा आगे आने वाले समय से बचने के लिए, जी हाँ मेष राशि वालों ध्यान रखना कि क्योंकि 2025 की मई से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, उससे पहले जितना एकत्र कर सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फैलाव की जरूरत नहीं है। अब ये एक वर्ष जो है ये आपको एकत्र करने का है, जो आपके फैले हुए काम हैं उनमें जहाँ फंसे हुए थे उन सबको एकत्र करो, अपने धन को एकत्र करने का प्रयास करो, सफल चीज़ें करने का प्रयास करो, क्योंकि इसके बाद 7.5 साल के लिए आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, और उस 7.5 में कई प्रकार के जैसे कष्ट होते हैं वो सब देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इसलिए सावधान होकर आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 7.5 आपको थोड़ा कष्ट देने के योग बनाती दिखाई देगी। उस समय शनि महाराज का कोई उपाय सीधा तरह से काम करने वाला नहीं है, बहुत तन्निष्ठ होकर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये समय जो है बृहस्पति का परिवर्तन, शनि महाराज जिस भाव से आपके चल रहे हैं, ये पूरी तरह से अब आपको लाभ देने के लिए पूरे मूड में आ चुके हैं। बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत सुंदर होने जा रहा है आपके लिए। बीच में करीब करीब आप मान लीजिए 7 से लेकर 1 जून तक का समय, 7 मई से 1 जून तक बीच में अस्त होंगे, उस समय उपाय आपको जो कर बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा, और अलग से हम उस समय में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब समझ लीजिए कि और जो दुख है उनसे, जो परेशानी थी उनसे कटने का समय, हटने का, उन परेशानियों को समाप्त करने का समय बिल्कुल कारगर तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो नित्य प्रति यदि आप विशेष तौर पर गौ पूजन करते रहें, चने की दाल का दान करते रहें और गुरु की सेवा करते रहें, तो बहुत सुंदर तरीके से विचारों में परिवर्तन, लाभ का योग, आगे बढ़ने का योग, बहुत सुंदर तरीके से ये वर्ष आपके लिए 24-25 का जो दिखाई दे रहा है अद्भुत संयोग दिखाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको अपने और ग्रहों को भी समझने का प्रयास करें, गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपको बता दिया। अब दशाएं, महादशाएं क्या चल रही हैं ये भी देखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हम देखते नहीं है कि इस समस्या से कि किस कारण से समस्या आ रही है। जन्मपत्री तो चल ही रहा है विषय, जन्मपत्री में गोचर का विषय तो हमने बता दिया आपको कि इसके दृष्टिकोण से ये तो बिल्कुल चिंता न करें, लेकिन फिर भी हो सकता है शनि की महादशा चल रही हो सकता है कि आपकी लग्न तो राशि जो है वो तो मेष हो लेकिन लग्न कुछ और हो, नाम की राशि कुछ और हो, तो उन सबको कॉम्बिनेशन के थ्रू देखने की ज़रूरत है कि वहाँ क्या चल रहा है, दशाएं क्या चल रही हैं। कहीं कहीं मार्केश की दशा तो नहीं चल रही, कहीं और विशेष तौर पर खर्चा करने वाले ग्रह की दशा तो नहीं चल रही, कहीं कोई कष्ट में फंसाने के लिए ग्रह और तो नहीं बैठे हैं। यदि ज्योतिष को पूरे व्यापक रूप से हम देखकर उन चीज़ों को, संभावनाओं को समझते हुए, उन पहलुओं को समझते हुए, नज़र रखते हुए उन पर कार्य कर लें, तो हम अपने जीवन में वारे न्यारे करा सकते हैं।
मेष राशि वालों के लिए समय गोचर के दृष्टिकोण से तो विशेष तौर पर अच्छा ही है। आने वाले समय में आपको किस प्रकार से कार्य करना है ये हमने आपकी राशि के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप इसको पूरी तरह से समझकर कार्य करने का प्रयास करेंगे, सुंदर तरीके से परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें सुन लें तो कि बृहस्पति के भाग्य जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुराने कहावत है बृहस्पति कूड़ी का भाग जाग जाते हैं, वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये दो फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सतत्व जो विशेष तौर पर सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए, इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप उतना बढ़िया। आपके लिए मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा, उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये दो भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए हैं, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से देखिए ज्योतिष के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है, लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं। निवारण वास्तविक तौर पर परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे पौराणिक महत्व तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है, ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है, ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या, जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं, जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है तो आपका उस नुकसान जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं, लेकिन हाँ यदि आपने प्रयास कम किए, कच्ची झोंपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए, और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का योग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना लें, प्रकृति के अनुकूल बना लें, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए, और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है।
आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे YouTube के माध्यम से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की कुंडली हाथ में होता है, क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड है। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको अपने कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की, आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर, अनेक अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट विचार से छोड़ा जाए। और देखिए भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधी समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं, इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं हमारे आश्रम पे। आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योग आश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब करीब 50-60 सालों से नित्य प्रति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति की दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज जो प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है, आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है, विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें, आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएँ हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली में, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, स्वावन के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।